नमस्कार दोस्तों, आज की हम बात करने वाले लिस्ट ग्रुप इन बूटस्ट्रैप 5, जिसमें कुछ टॉपिक आप देख सकते हो डिस्प्ले पे, जैसे कि बेसिक लिस्ट ग्रुप है, एक्टिव स्टेट है, लिस्ट ग्रुप विद लिंक्ड आइटम, डिसेबल आइटम, प्लस और स्लैश, रिमूव ऑर्डर, नंबर एट लिस्ट ग्रुप, ओरिजेंटल लिस्ट ग्रुप, कॉन्टेक्स्टुअल क्लासेस, लिंक आइटम विद कॉन्टेक्स्टुअल क्लासेस, थोड़ा ये वर्ड ऐसा ही ठीक है, कोई बात नहीं, लिस्ट ग्रुप विद वेज, तो यहाँ पेजेस, तो ये सारे जो टॉपिक है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इस सब का प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और एक अच्छा वीडियो होने वाला है लिस्ट ग्रुप के बारे में, लिस्ट ग्रुप्स के बारे में। तो होप सो आपको बेहतर पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं और जाते हैं प्रैक्टिकल की ओर। सो आ चुके हैं प्रैक्टिकल में और यहाँ पे सबसे पहले तो हम कंटेनर बना लेंगे, जो हम ऑलवेज बनाते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ कर रहे हो हम कंटेनर के अंदर ही करेंगे, तो क्योंकि एक अच्छी आदत है मार्जिन वगैरह देने के बाद, मार्जिन टॉप हमेशा देते हैं हम, मार्जिन टॉप 5, जिससे क्या अंदर थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है। और इस डिव के बीच में हम अपना लिस्ट ग्रुप बनाएंगे, तो इसके लिए पहले एक वापस डिव बना लेते हैं और इस डिव में क्लास बनाते हैं लिस्ट ग्रुप्स, ठीक है, लिस्ट ग्रुप ये। और यहाँ पे 3 डिव और बनाते हैं, या पे जो भी आप जितने डिव बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो मैं अभी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 2 या पे 3 4 5 6 जो भी आप बना सकते हो, मैं नंबर डाल देता हूँ, चलो ठीक है, 4 5 बना के। और ये जो है ये ऑलरेडी सही, बिल्कुल, तो इसमें नंबर डाल देते हैं 1 ग्रुप, या फिर 1 लिस्ट डाल दो, ठीक है, इस तरह से आप डाल सकते हो। मैं इसका कॉपी पेस्ट करके नंबर चेंज कर दूंगा, 2nd, कंट्रोल एस करते हैं तो ये यहाँ पे 1 लिस्ट 4 लिस्ट ये 2 लिस्ट वगैरह आ चुका है। अब यहाँ पे इस क्लास को भी मतलब ग्रुप के अंदर जोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस क्लास एक आता है लिस्ट ग्रुप आइटम कि इसकी आइटम है, राइट। तो ऑब्वियसली ये लिस्ट ग्रुप की आइटम बन जाएगी और यहाँ पे देख सकते हो एक तो रेडी हो चुकी, तो ऑब्वियसली इसके लिए हम यहाँ पे इस क्लास को कॉपी पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी, फिर इस डिव में कर देते हैं और इस डिव में कर देते हैं, तो 5 जो है डिव वो हो चुके हैं लिस्ट ग्रुप के मालिक, सॉरी बच्चे कह सकते हैं, ठीक है, मतलब इसमें ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं। तो ये बेसिक ग्रुप आपको इस तरह से बनाना है तो बना सकते हो, इस ग्रुप का ये पार्ट है, मतलब इसकी आइटम है ये। बट क्या ये आइटम सही लग रही है, ये भी तो सवाल है, क्या ये आइटम सही लग रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ पे ना तो कोई बॉर्डर लग रहा है या कुछ नहीं, ये सब अलग अलग लग रहा है ना हमें, ठीक है। तो इसका मार्जिन थोड़ा कम कर दे, ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, मार्जिन, और यहाँ पे स्टाइल बाकी है, क्या डायरेक्ट मार्जिन लगा रहा है भाई, मार्जिन लेफ्ट से समथिंग 25 पिक्सल कर देते हैं तो पता चलेगा, ये देखिए हाँ बॉर्डर आ रही है मतलब, ठीक है। बट ये डी में भी आप यूज़ कर सकते हो, इसके जगह अगर LI UL करना है तो भी कर सकते हो, जैसे कि मैं डी की जगह UL LI कर सकता हूँ, डी लगा सकता हूँ, इसके लिस्ट आइटम ऑब्वियसली इसकी लिस्ट आइटम है तो आप LI या UL आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं डी की जगह UL कर देता हूँ, ठीक है, और मैंने गलती करी थी, सॉरी यहाँ पे थी क्या था, राइट, हाँ UL यूज़ करना था क्योंकि ये लिस्ट आइटम है, तो ऑब्वियसली LI का ही यूज़ करेंगे हम लिस्ट में, डिव का कर सकते हो, सेम होगा काम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लिस्ट है तो ऑब्वियसली हम LI का यूज़ करते अच्छा होता, ठीक है, तो ये एक अच्छी आदत होती, कोई बात नहीं, अब हो गया है तो चेंजिंग कर देते हैं डिव का। सो यहाँ पे मैंने सारे LI कंप्लीट कर दिए, कंट्रोल एस करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ चेंजिंग आया नहीं आया, अगर डिव करते तो भी चल जाता और LI कराए तो भी चल जाता, काम तो वही है, क्योंकि मेन चीज़ है वो है क्लास, अगर आप सही से लगा दे दो किसी भी जगह, चाहे वो पी लगा दो या जो भी, लेकिन क्लास लगाते हो तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करेगा। हालांकि तो लिस्ट आइटम था, लिस्ट है तो ऑब्वियसली मैंने LI लगाया, बाकी तो यहाँ पे डी भी लगा सकते हो। तो ये बेसिक आपने बना लिया, लिस्ट ग्रुप कह सकते हो इसको। तो यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया फर्स्ट वाला, अब सेकंड वही कॉपी पेस्ट कर दिया, इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिव का चेंज करना है, एक्टिव रखना है बस वही चीज़। सपोज मुझे चाहिए सेकंड वाला एक्टिव, तो इसमें ऑटो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी कलर आ जाए, कैसे करना है सिंपल सा, आपको यहाँ पे लगा देना है एक्टिव, सॉरी यहाँ पे ठीक अंदर, तो एक्टिव
लिख दो एक्टिव एक्टिव एक्टिव, ठीक है। तो एक्टिव जैसे लगेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे तो मतलब ये प्राइमरी कलर आ जाएगा, ये एक्टिव है, बाकी ये सब कुछ एक्टिव नहीं है बट ये एक्टिव है ये कह सकते हो। बट यहाँ पे कोई लिंक वगैरह अगर ऐड करना है तो भी कर सकते हो सिंपल सा। तो ग्रुप के अंदर आप इसको लिंक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल सा मैं इसको उठा के ये मैंने इसको क्यों कॉपी किया, सिर्फ एक्टिव को दिखाने के लिए, बस यही चीज़ है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी चीज़ें भी। तो यहाँ से इसको कमेंट से अनकमेंट कर देते हैं और इसमें लिंक जनरेट करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एंकर टैग में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंकर टैग और HREF, ठीक है। और फिर यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो देख सकते हो ये मैंने लिंक में कन्वर्ट कर दिया है एंकर टैग में अंदर, ठीक है। तो इसमें जाते क्लिक करते देख सकते हो ये लिंकेबल बन चुका है, ये देखिए क्लिकेबल बन चुका है। बट अभी मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये क्लिक भी हो जाएगा वगैरह वगैरह मतलब इस तरह, ठीक है। बट एक और प्रॉपर्टी सॉरी क्लास आता है इसमें कि लिस्ट ग्रुप आइटम के अंदर एक्शन करवा दो। क्या है एक्शन, एक्शन कंट्रोल एस करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ चेंज आ नहीं आया, यहाँ पे देखिए कुछ चेंज नहीं आया। बट इसमें क्लिक करते हैं तो कुछ आ रहा है नहीं, इसमें क्लिक करते हैं तो कुछ आ रहा है नहीं। बट यहाँ पे ध्यान रखिए, फर्स्ट में एक्शन किया, जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे इस पर लेके जाते हैं तो यहाँ पे होवर नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो रहा। बट इसमें देखिएगा ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा, और इस पर क्लिक करते हैं तो वो पीछे वाला जो थोड़ा इफेक्ट दिख रहा है, देखिए फेड इन आउट फेड आउट, ठीक है। तो इस तरह से दिख रहा है बट इसमें नहीं दिख रहा, सिर्फ इस लिस्ट पे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तब कुछ यहाँ पे क्लिक होता है। लेकिन यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो डाउट, लेकिन कुछ भी मतलब इफेक्ट वगैरह नहीं आया। तो एक्शन लगाने का मतलब ये कि यहाँ पे एक्शन चलता है, और एक्शन नहीं लगा दें उसके जगह एक्शन नहीं चलता, मतलब कुछ एक्शन, ठीक है। तो ये क्लास भी एक तरह से काम कर सकता है। तो आपको मैं बाकी जगह नहीं लगाता, एक और जगह लगा देता हूँ, चलो ठीक है दो लगा देते हैं, और फिर आपको बाकी मैं नहीं लगाता, थोड़ा डिफरेंट भी देखना पड़ा रखते हैं, ठीक है। क्योंकि सब लगा देंगे तो फिर पता कैसे चलेगा इस दोनों में डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड में आ जाएगा लेकिन थर्ड में अब नहीं आएगा, ठीक है दो में आ चुका है। तो इस तरह से एक्शन का भी यूज़ कर सकते हो आप। अब सपोज मैं डिसेबल का यूज़ कर लेता, चलो ठीक है इसे मैं कर दूँ क्या, चलो अलग क्या पेस्ट कर, इसे मैं कर देते हैं। नंबर 4 को मैं डिसेबल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो डिसेबल यूज़ करके डिसेबल, ठीक है। तो कंट्रोल एस करते तो नंबर 4 डिसेबल हो जाएगा, इस पर आप क्लिक नहीं कर सकते, बाकी जगह क्लिकेबल है लेकिन इसमें नहीं कर सकते। देखिए ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, यहाँ पे क्लिकेबल का वो आइकन ही नहीं आ रहा, हाथों वाला घुंगली वाला, ठीक है यहाँ पे वो आ रहा है, तो ये हो चुका डिसेबल, ठीक है। तो अलग अलग नहीं करते फालतू का, क्यों प्रैक्टिकल ज़्यादा करें, ठीक है। तो एक में मैंने 2 यहाँ पे प्रॉपर्टीज समझा दी, थोड़ा फॉर्मेटिंग वगैरह कर देते हैं। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर थोड़ा बहुत चला जाए, फ्लश हो जाए, तो फ्लश का भी एक प्रॉपर्टी है, बट मैं ये जो है अलग करने वाला हूँ, ठीक है। तो अलग मीन्स ओके, इसके लिए अलग पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी, और ये जो है कमेंट कर देते हैं ऊपर वाला कंट्रोल वी, और ये यहाँ से उठा के यहाँ से कंट्रोल वी पेस्ट कर देते हैं, और ऊपर वाला कमेंट हो चुका है नीचे सेम भाई। बट इसमें मैं स्टाइल वगैरह यही आपको रखना है, रख सकते हो सिंपल सा, आपको लिस्ट ग्रुप प्लस आपको यूज़ करना है प्लस राइट। तो कंट्रोल एस करते हैं तो देखिए ये जो है साइड वाली बॉर्डर चली गई, ये अंदर वाला रह गई साइड वाली चली गई। तो ये भी एक तरीका है फ्लश का यूज़ कर सकते हो, और बॉर्डर यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, फ्लश कह सकते हो या फिर रिमूव, जो मैंने अभी दिखाया था यहाँ पे कहा गया ये फ्लश एंड रिमूव बॉर्डर, ठीक है। तो ये भी कैसे डिसेबल हो चुका है, लिस्ट ग्रुप भी लिंक हो चुकी है, एक्टिव स्टेट एंड बेसिक ग्रुप हो चुका। अब इसके बाद नंबर लिस्ट ग्रुप देख लेते हैं। सर दोस्तों मैंने प्रैक्टिकल वही स्टिल कॉपी पेस्ट कर दिया 2-3 जगह यहाँ पे, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी बार बार, क्यों टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि नंबर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो नंबर कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ से उठा लेते हैं प्लस वाला और ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ये लिस्ट, और यहाँ से कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे ऐड करेंगे नंबर एड नंबर, ठीक है कंट्रोल एस करते हैं तो यहाँ पे नंबर आ जाएगी 1 2 3 4। एक्चुअली मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये मैंने लिखा हुआ है 1 2 3, लेकिन मैं इसको निकाल देता हूँ, लिस्ट लिस्ट रखते हैं, ठीक है। इस टाइम ये भी निकाल लेते हैं, ये भी निकाल लेते हैं, ये भी निकाल लेते हैं, और ये भी निकाल लेते हैं। अब करते हैं कंट्रोल एस, तो यहाँ पे देखिए ओके, यहाँ से कुछ दिक्कत है, देखना पड़ेगा
नंबर लिस्ट ग्रुप, ये लिस्ट ग्रुप हो चुका, इसका अलग लिस्ट ग्रुप। और सही सही सही, यहाँ पे मैंने क्या करा है कि एंकर टैग के अंदर नहीं है, ये लिंक वाला अब नहीं आएगा क्योंकि हमने सिर्फ नंबर डालना है। तो ऑब्वियसली ये मैं यूज़ करूँगा एल आई, ठीक है। मैं कंट्रोल एक्स या सी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, फिर आगे की प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कर दिए सारे एल आई, और ये यू एल है शायद, ठीक है। एक शायद ऑर्डर करना पड़ सकता है, देखते हैं, बट फिर भी एक कंट्रोल एस करते हैं। तो यानी कि यू एल में आ चुका, कोई दिक्कत नहीं, ऑयल करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि ऑयल मीन्स ऑर्डर लिस्ट, ये अनऑर्डर लिस्ट है इसलिए, ठीक है। एक्चुअली अनऑर्डर ऑर्डर में भी ऑर्डर आ चुका ही देख सकते हो, बट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो ऑर्डर लिस्ट में। यहाँ पे यू एल चलता चल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने लिस्ट लिस्ट लिखा है, और यहाँ पे 1 लिस्ट 2 लिस्ट इस तरह से आ चुका है। तो मतलब ये भी तरीका है, आपको नंबर लगाना है यूजिंग क्लास तो भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसकी जगह, क्योंकि इसमें एंकर टैग है। तो इसको निकाल देते हैं, और कंट्रोल वी कंट्रोल एस, और यहाँ से एक गलती ये होगी जनाब यहाँ पे कि ये अब मैं नंबर इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। इसमें नंबर डाल देते हैं, कॉपी पेस्ट और कंट्रोल वी, तो ये हो चुका कॉपी वर वाला, और ये सेकंड वाला नंबर ये। लेकिन इसमें क्यों डबल डबल आ रहा है, क्योंकि ये नंबर वाला है क्लास, तो इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 1 लिस्ट 1 लिस्ट आ चुका है। तो अब क्या करता, मुझे हॉरिजेंटली में चाहिए, ये वर्टिकल में, लेकिन यही चीज़ मुझे हॉरिजेंटली में चाहिए, तो कैसे करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइल कोई बात नहीं हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ लिस्ट ग्रुप को, कंट्रोल सी, और फिर इसके बाद पेस्ट, और यूज़ कर देते हैं हॉरिजॉन्टल कंट्रोल एस। तो यहाँ पे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में, देखिए 1 लिस्ट 2 लिस्ट 3 4 एंड 5। बट ये क्यों ऐसा रहा, देखना पड़ेगा। यू एल क्लास लिस्ट लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल, स्पेलिंग हॉरिजॉन्टल, ये भी सही है, ठीक है। और स्टाइल वाला शायद मुझे लगता है 25 पिक्सल ले लिया ना हमने, बाकी तो एक्शन ये भी सही है, एक्शन वाला मुझे लगता है ये निकाल देते, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। कितना था आइटम, बिल्कुल आइटम, ये भी यहाँ से निकाल देते हैं, और ये कोटेशन रहेगा इसमें, और ये डिसेबल वाला भी निकाल देते हैं, इसमें कोटेशन चला जाता है, लेकिन अब निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो चुका, कंट्रोल एस करते हैं, तो अब यहाँ पे इसकी साइज आ चुकी है, ओके। ये स्टाइल वगैरह की जरूरत नहीं, ये एक्स्ट्रा था ना एक्टिव वगैरह, तो ये दिख रहा था। बट मैं कहने का मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टल में आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, और ये एक हॉरिजॉन्टल का तरीका है। और इसको कर देते हैं कमेंट, और इसके बाद वापस इसको कर देते हैं हॉरिजॉन्टल वाला नहीं, और इसको कॉपी पेस्ट कर दे, चलो ठीक है, इसको ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल निकाल देंगे, बाकी सब कुछ सही रखता है। और इसमें क्या है कि ये उठा के यहाँ पे रखना है, कंट्रोल वी। तो इसमें क्या है सॉरी कि ये हॉरिजॉन्टल निकाल देते हैं, इस क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है, और कंट्रोल एस करते हैं, नॉर्मल यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, कलर लगा सकता हूँ, बस कुछ नहीं, इसमें वही चीज़ है जो पहले भी हम करते आ रहे थे, वही चीज़ है, ठीक है। मैं लिस्ट ग्रुप को यहाँ पे कलर देता हूँ कंट्रोल वी, एक दो यूज़ कर दे, बाकी तो अब नहीं, पूरी पूरी जितने कलर है वो तो सब नहीं यूज़ करेंगे। एक प्राइमरी कर देते हैं, चलो ठीक है, एक प्राइमरी कर देते हैं, और मैं कर देता हूँ इसको कॉपी पेस्ट लिस्ट ग्रुप आइटम, लिस्ट ग्रुप आइटम यहाँ तक से कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी, और प्राइमरी से ये सक्सेस कर देते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल एस करते हैं, दो यहाँ पे रखते हैं, बाकी यहाँ पे नहीं करेंगे मतलब, ठीक है। और प्रॉपर सक्सेस और प्राइमरी प्रॉपर ऐसा नहीं आएगा इस लिस्ट में, ये भी ध्यान रखें कि प्राइमरी प्रॉपर कैसा होता है और सक्सेस कहता होता है, एकदम ग्रीन ये होता है, और ये थोड़ा प्राइमरी मीन्स थोड़ा ब्लू टाइप का जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये सेम सेम लग रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ इसकी जगह अगर वार्निंग वगैरह यूज़ कर दो, ठीक है, मैं वो भी ये आपको दिखा रहा, तो एक्चुअली सेम कलर नहीं आएगा, ये डार्क कलर समथिंग आएगा, ठीक है, थोड़ा कम ब्राइटनेस के साथ। तो मैं डार्क भी कर लेता, चलो ठीक है, डार्क कर लेते हैं, तो डार्क का भी यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से आ रहा है, दो रखते हैं, तीन यहाँ पे कलर कर सकते हैं। ऐसे आपको जितने भी आपने जितने भी लिस्ट बनाए सब में कलर लगा सकते हो। तो ये अब इसको छोड़ देते हैं, इसमें कोई ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आपको और भी कुछ ऐड करना है, जैसे कि एक्टिव वाला अभी पार्ट था, ठीक है, ऊपर
ये फॉर्म एक्शन, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एक में करते हैं, दो में रहने देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में कर देते हैं कंट्रोल वी कंट्रोल एस। तो ये देख सकते हो यहाँ पे मैं जाता हूँ तो बीच पीछे थोड़ा होवर दिख रहा है, मतलब पीछे भी कलर एक थोड़ा डार्क दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दो में नहीं दिख रहा। तो इस तरह से मतलब आप अपने हिसाब जो भी सेट करना है प्रॉपर्टी कर सकते हो, या सॉरी क्लास कर सकते हो। अब एक और अच्छा चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, अभी ये ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा था ऐसा कह सकते हैं। तो अब आपने बहुत जगह जीमेल में भी देखा होगा कि इनबॉक्स में इतने मैसेज आए, जंक फाइल में इतने हैं, ठीक है, या फिर सेंड ईमेल में इतने हैं। वो सब कुछ आपने देखा होगा, लिस्ट वाइज देखने को मिल रहा है, नंबर वाइज देखने को मिल रहा हो। तो वो कैसे बनाना है वो हम बताएंगे इस वीडियो में, अभी सॉरी वीडियो में नहीं, सॉरी अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, सॉरी क्या बोल रहा हूँ कब से कोई बात नहीं, यहाँ से इसको कट कर देते कमेंट, ताकि क्या है कि हमें अच्छा एक प्रैक्टिकल बनाने में मज़ा आया, ठीक है। ये तो अभी तक बेसिक था, इस तरह से वगैरह का, ठीक है, ये आप कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन एक ये भी आपको बताना है। सब कुछ सीख लिया तो फिर एक थोड़ा प्रैक्टिकल भी बेसिक हम कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि जीमेल का हम पार्ट देख लेते हैं, मेन्यूज की बात करें तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यूएल यूज़ करेंगे, यूएल एलआई यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, जैसे ऊपर करा था वैसे। तो इसमें करेंगे एलआई के अंदर हम यूज़ करेंगे कुछ क्लास, जिसमें ये ऑब्वियसली ये वही चीज़ है, बट इसमें आपको लिस्ट पहले बनाना पड़ेगा, लिस्ट ग्रुप, ठीक है, लिस्ट ग्रुप बना लेते हैं। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे लिस्ट ग्रुप की आइटम का क्लास बना लेते हैं, लिस्ट ग्रुप आइटम, ये लिखिए, ठीक है, ये क्लास बन चुका। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, पहला तो इनबॉक्स बनाते हैं, इनबॉक्स राइट, कंट्रोल एक्स करते हैं तो यहाँ पे इनबॉक्स आ जाएगा। लेकिन इसके सामने मुझे यहाँ पे ये भी बनाना है कि इसके सामने नंबर आए, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, इस एलआई के बीच में स्पान टैग लगा के बेज बना लेता हूँ। बेज आपने देखा होगा, बेज BADGES बेज कह सकते हो, ठीक है। बेज मीन्स वो वाला बेज नहीं, फिर पहले बताओ कंडक्टर बेज था, वो वाला बेज नहीं, ठीक है। तो क्लास और बेज बनाते हैं, ये वाला बेज की बात कर रहा था मैं, कंट्रोल एस, तो ये बेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेज का बीजी कलर हम ले लेते हैं प्राइमरी, कैसा लग रहा है पता है, जो भी है जैसा हो अच्छा होगा, ठीक है, प्राइमरी करते हैं। तो ये बेज का कलर आ जाएगा और ये बेज तो ठीक है, इस तरह से बन चुका, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, डिस्प्ले आपको फ्लैक्स कर देना है, डिस्प्ले फ्लैक्स डी फ्लैक्स, इसके लिए इसका क्लास है, ठीक है। और फिर ये हो चुका डिस्प्ले फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सॉरी यहाँ पे बिटवीन आएगा, बिटवीन, और ये हो चुका। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलाइन आइटम सेंटर कर देते, प्रॉपर्टी ये भी होगा कि अलाइन आइटम जो होगे वो भी सेंटर चाहिए हमें, ठीक है, आइटम सेंटर, ठीक है, ये सेंटर चाहिए। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुछ मैसेज, ठीक है, तो इसके लिए मैसेज कर देता हूँ 100+, कंट्रोल एस करते हैं तो देखिए 100+ आ चुका यहाँ पे। अगर ये नहीं करते, सपोज मैं एक क्लास निकाल के देता हूँ, मुझे ये पहले डालना चाहिए था एक्चुअली, बट कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, कॉपी पेस्ट कर पहले एक निकाल देते हैं। इसको अगर मैं नहीं रखता तो क्या होता, कंट्रोल एस करते तो देखिए कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, इसका कोई लिख फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जस्टिफाई कंटेंट रखते हैं, हटाते हैं तो कंट्रोल एस करते तो क्या इसमें फर्क पड़ा, हाँ इसमें पड़ा, क्योंकि ये यहाँ पे आ चुका। लेकिन ये जस्टिफाई कंटेंट करते हैं तो वो लास्ट में चला जाए, बिटवीन, एक दूसरे के बिटवीन आ जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट मतलब ये दोनों के बीच में, मतलब बिटवीन, ठीक है, स्पेस अच्छी खासी रहेगी। और फिर ये भी ले लेते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये भी सही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट डीफ्लेक्स नहीं करते तो ये भी प्रॉपर्टी, सॉरी क्लास हमने यूज़ करा है, कंट्रोल एस करते हैं, डीफ्लेक्स नहीं यूज़ करते तो भी यहाँ पे साइड में दिखेगा, ठीक है। जब फ्लैक्स कर देते हो डीफ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, तो ये फ्लैक्स में कन्वर्ट हो जाए। फ्लैक्स और ग्रिड आपको पता होगा, ठीक है, मैंने ऑलरेडी पहले समझा के रखा है, हालांकि इसमें नहीं समझा, ग्रिड समझाया इसमें, फ्लैक्स नहीं समझा, लेकिन CSS में आपको आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये हो चुका, और बाकी तो ये तो बेज क्रिएट किया इस क्लास में, ठीक है, बेज और बीजी प्राइमरी यहाँ पे दे दिया है, और इसका 100+ ठीक है, तो ये लिस्ट ग्रुप बन चुका। इसके जगह और भी आपको बनाना है तो बना सकते हो, जैसे कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ से जितने भी रखना है आप रख सकते हो, मैं 3-4 रखता हूँ, ठीक है। बट 3-4 में चेंज क्या करेंगे, ये कौन सा है, इनबॉक्स था ना, तो इनबॉक्स की जगह ये कर देते हैं ऑल मेल्स, या फिर ऑल मेल्स भी आप लिख सकते हो,
और ये होगा स्पैम मेल, स्पैम का फोल्डर होगा, ठीक है। और ये होगा क्या था, और फोल्डर क्या था उसमें, जंक ईमेल ये कह सकते हो। तो चार यहाँ पे बन चुके हैं। इसका ईमेल जो है चेंज कर सकते हो, ये 100 की जगह में इसका तो 1000 कर दूंगा, ठीक है। इसको कर देते हैं 99, और 99 रखते हैं, प्लस नहीं करते इसमें, 1000 प्लस भी नहीं करते, ये भी प्लस नहीं करते। और ये कर देते हैं ये 50, 49। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है, 100 इसके अंदर 100 है, इसके अंदर ऑल मेल के अंदर 1000 है, स्पैम मेल 99 है, जंक है 49 प्लस है, तो प्लस यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से मतलब आप बना सकते हो कि जो ये मेनू में अंदर आता है जीमेल के अंदर, इनबॉक्स, ऑल मेल, स्पैम, जंक, और ये बेज का कलर अगर चेंज करना कर सकते हो। इसमें आप एक्टिव वाला क्लास लगा सकते हो, ठीक है। तो वही भी आपको आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन इसको अगर राउंड करना है तो वो भी कर सकते हो। तो इसके लिए क्लास बनता है राउंडेड पिल, राउंडेड पिल, राउंडेड 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 और पिल। कंट्रोल एस करते हैं तो फर्स्ट वाले में राउंडेड आ जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से, एक में नहीं करा दूसरा आप नहीं करता, ठीक है। तो ये भी है, और अगर कोई आपको इफेक्ट लेना है तो भी देख सकते हो हर जगह। तो वो इफेक्ट कहाँ पे आएगी, इनबॉक्स में हम ले लेते हैं, ठीक है। इनबॉक्स में तो इसमें हम आई लेंगे टेक्सलन सेंटर, और कौन सा क्या था, तो यहाँ से लिस्ट आइटम ग्रुप कंट्रोल सी, और यहाँ से लास्ट में कर देते हैं इसको, वहाँ पे भी कर सकते हैं लेकिन मैं लास्ट में कर देता हूँ। और इसमें कर देते हैं एक्शन, एक्शन राइट, फर्स्ट वाले में हम कर देते हैं, बाकी अब रखना ही रखना आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन देखिए फर्स्ट वाले में ये क्लिकेबल हो चुका है, मतलब इस तरह से बिल्कुल क्लिकेबल है, मतलब यहाँ पे पिच पे कुछ थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो चुका क्या था ये लिस्ट ग्रुप, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।